एक गेम खेलते हैं, अपने अपने फोन्स को अनलॉक करके इस टेबल पे रख देते हैं, जिसको भी कोई कॉल या मैसेज। तो फाइनली अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी खेल खेल में का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है यूट्यूब पर, और सच में यार इस बार ट्रेलर लुक्स प्रॉमिसिंग। ट्रेलर कमाल का लग रहा है, सबकी एक्टिंग कमाल की लग रही है, सब इंडिविजुअल एक्टर्स की एक्टिंग कमाल की लग रही है, और अक्षय कुमार तो बस कमाल लग रहे हैं, जस्ट लाइक ओल्ड फाइन वाइन। ट्रेलर एंटरटेनिंग लग रहा है और ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ लग रहा है, और फाइनली इतने दिनों के बाद लग रहा है कि जो अक्षय कुमार, उनकी सारी मूवी गड्ढे में जा रही थी, इतने दिन से सारी मूवीज उनकी बेकार चल रही थी, फाइनली वो एक गुड मूवी के साथ वापस आ रहे हैं, जो कि मूवी सबको पसंद आने वाली है। कॉन्सेप्ट इस मूवी का यूनिक होने वाला है, हालांकि कहा जा रहा है कि ये मूवी एक इटालियन मूवी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का रीमेक है, बट मैंने वो मूवी नहीं देखी है, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट इस ट्रेलर में देखने में बड़ा मजा आ रहा है। जो बॉन्ड शेयर किया है इंडिविजुअल एक्टर्स ने इस ट्रेलर में, वो यूनिक लग रहा है, वो एक अच्छा फील दे रहा है देखने में, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मूवी कमाल हो सकती है। इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे ये सब लोग मिलके एक गेम प्लान करते हैं कि आज इन सब के फोन पब्लिक हो जाएंगे, मीन सब दोस्त एक दूसरे के वाइफ्स, उनके हस्बैंड, सब दोस्त एक दूसरे के मैसेजेस और फोन कॉल्स देख पाएंगे कि किसका फोन आ रहा है, किसकी कॉल आ रही है, किसका मैसेज आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है फोन, और इसी के इर्द गिर्द घूमती है ये स्टोरी। फिर जिससे इस मूवी के अंदर आता है कॉमेडी, ट्विस्ट एंड टर्न्स, टसल्स वगैरह वगैरह। ये मूवी कॉमेडी और इमोशनल सीन से भरी हुई दिख रही है, और फाइनली हमें इस मूवी में फरदीन खान का कमबैक देखने को मिलेगा। फरदीन खान जो कि इतने दिनों से गायब थे, वो इस फिल्म में कमबैक करने वाले हैं, और मुझे तो उनकी कुछ मूवीज बहुत ही पसंद है, जैसे कि नो एंट्री और हे बेबी, उनमें उनकी एक्टिंग कमाल की है, और इस मूवी में भी उनके कुछ सीन्स वही वाइब देते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी एमी विर्क, तापसी पन्नू, वाणी कपूर एंड आदित्य सील की एक्टिंग भी कमाल लग रही है, बाकी एक्टर्स की भी एक्टिंग कमाल लग रही है इस ट्रेलर में। तो यार मतलब अब 15 अगस्त को ये जो मूवीज है पूरा हाउस फुल होने वाला, स्त्री 2, वेदा, खेल खेल में, और 2-3 साउथ की मूवी भी रिलीज होने वाली है, तो ये 15 अगस्त तो पूरा हाउसफुल होने वाला लग रहा है। गाइस मैंने एक कोइंसिडेंस की बात यहाँ पे नोटिस करी, अगर आपने देखा हो तो, जो खेल खेल में का ट्रेलर है वो भी 3 मिनट 10 सेकंड का है, और जो वेदा का ट्रेलर कल लॉन्च हुआ जॉनी इब्राहिम की मूवी का, वो भी 3 मिनट 10 सेकंड का है ना, शॉकिंग बात। गाइज इस ट्रेलर में कॉमेडी सीन्स कमाल के लग रहे हैं, और अक्षय कुमार का ये वाला जॉनर देखने को मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ, तो वेट करते हैं 15 अगस्त का, और देखते हैं क्लैश इन तीनों मूवीज के बीच में, कौन मूवी आती है सबसे ऊपर और कौन जाती है गड्ढे में। गाइज प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड रिव्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।